जादुई हीरे का वाहन खिलौना पेड़। मोहनगर के एक छोटे से गांव में एक ओमवती नाम की बूढ़ी काकी रहती थी। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। एक बार एक दुर्घटना के दौरान उनके घर का सिलेंडर फट गया था, जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार आग की चपेट में आकर मर गया था। लेकिन उस दुर्घटना से बूढ़ी काकी और उसका पोता जग्गू बच गया था। बेचारी बहुत गरीब थी, इसलिए वो बच्चों के खिलौने बेचा करती थी, जिससे वो रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रही थी। खिलौने वाले, खिलौने ले लो, बच्चों के प्यारे प्यारे खिलौने। आओ साहब, खिलौने ले जाओ, बच्चों की मिनी कार, मिनी बस, मिनी ट्रक, मिनी एयरप्लेन, मिनी रॉकेट सब है। आओ आओ, ले जाओ। तभी एक आदमी बूढ़ी काकी के पास आता है और कहता है, अरे ओ काकी, ये मिनी कार कितने की है? ज्यादा महंगी नहीं है साहब, केवल 20 रुपए की है। ले जाओ साहब, आपका बच्चा बहुत अच्छे से खेलेगा, ये खिलौना जल्दी टूटेगा भी नहीं। अरे नहीं, 20 तो तुम ज्यादा मांग रही हो, मैं तो इस खिलौने के 10 रुपए दूंगा। क्या साहब, आपको ये 20 रुपए ज्यादा लग रहे हैं? अरे आप जैसे सेठ लोगों के लिए तो 20 रुपए कुछ भी नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है। अरे काकी, कमाल करती हो, चलो ये लो 20 रुपए और खिलौना दे दो। बूढ़ी काकी 20 रुपए में खिलौना बेच देती है। ऐसी वो पूरे दिन अपने ठेले को बाजार में यहाँ से वहाँ घुमाती रहती है और धीरे धीरे शाम हो जाती है। अरे रात होने वाली है, मेरा पोता मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे जल्दी निकलना चाहिए। ये सोच बूढ़ी काकी अपना ठेला लेकर जंगल के रास्ते से वापस अपने घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे कुछ लोगों के पैरों की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, इस वक्त जंगल में कौन हो सकता है, मुझे जल्दी जल्दी चलना चाहिए। बूढ़ी काकी किसी तरह जंगल से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ गुंडे घेर लेते हैं, जिन्हें देखकर बूढ़ी काकी बहुत घबरा जाती है। अरे कौन हो तुम लोग और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो, जाने दो मुझे। ऐसे कैसे जाने दे तुझे, सुन बुढ़िया, ज्यादा सियानापंती दिखाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जो भी माल पानी है सबका सब हमें दे दे, नहीं तो तू जानती नहीं है हम तेरा क्या हाल करेंगे। बूढ़ी काकी रोने लगती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे जाने दो, मुझ गरीब पर रहम करो, बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे कमाए हैं, मेरा पोता भूखा प्यासा घर पे इंतजार कर रहा होगा, मुझे उसके लिए खाना भी बनाना है। वो गुंडे बूढ़ी काकी की एक बात नहीं सुनते और उसके ठेले पर रखी मिनी कार, मिनी बस, मिनी एरोप्लेन, मिनी ट्रक सब कुछ तोड़ देते हैं। तू ऐसे नहीं मानेगी। एक गुंडा बूढ़ी काकी के मुंह पर एक चांटा मारता है, जिसके बाद बूढ़ी काकी वहीं बेहोश हो जाती है और वो गुंडे उसके सारे पैसे चुरा कर वहां से भाग जाते हैं। तभी जादुई परी जंगल की सैर करने निकलती है। आसमान में उड़ते हुए उसे जंगल में बूढ़ी काकी दिखाई देती है। अरे यह औरत कौन है जो जंगल में बेहोश पड़ी है? जादुई परी बूढ़ी काकी के पास जाती है, जहां वो देखती है कि उसका ठेला उल्टा पड़ा होता है और बच्चों के खिलौने भी टूटे होते हैं। जादुई परी अपने जादू से बूढ़ी काकी को होश में लाती है। काकी, क्या हुआ है आपको और यहाँ ऐसी बेहोश क्यों पड़ी हो आप? आपका ये हाल किसने किया, आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूँगी। जादुई परी को देखकर बूढ़ी काकी रोने लगती है और उसे अपनी सारी परेशानी बताने लगती है। उसके बाद गुंडों ने मुझे लूट लिया, अब मैं क्या करूंगी, मेरे सारे खिलौने भी टूट गए हैं, इन्हीं के सारे तो मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रही थी। काकी, आपके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। परी अपनी छड़ी की मदद से खिलौनों पर एक जादू कर देती है, जिसके बाद परी उन टूटे फूटे खिलौने को उठाकर बूढ़ी काकी को देती है और कहती है,
काकी इन खिलौनों को अपने घर के आंगन में मिट्टी के अंदर गाड़ देना। उसके बाद आपकी सभी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। बूढ़ी काकी परी की बात मान लेती है और टूटे फूटे खिलौने को अपने रेडी पर रखकर वापस अपने घर ले आती है और अपने घर के आंगन में लाकर उन टूटे हुए खिलौनों को मिट्टी में गाड़ देती है। अगले दिन सुबह जब बूढ़ी काकी सोकर उठती है तो वो देखती है कि जिस जगह उसने टूटे खिलौने गाड़े थे वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ उगाया है जिस पर हीरे की मिनी कार, मिनी बस, मिनी ट्रक, मिनी एरोप्लेन, मिनी साइकिल और भी कई प्रकार के खिलौने लगे होते हैं। बूढ़ी काकी उस पेड़ से एक ट्रक तोड़ती है और कहती है, अरे ये तो हीरे का खिलौना है। तभी वहाँ बूढ़ी काकी का पोता जग्गू आता है और खिलौने देखकर कहता है, अरे वाह, इतने प्यारे प्यारे हीरे के खिलौने, लेकिन ये हीरे के खिलौने इस पेड़ पर कैसे आ सकते हैं? बूढ़ी काकी जग्गू को सारी बात बता देती है, जिसके बाद बूढ़ी काकी पेड़ से सभी खिलौने जैसे मिनी कार, मिनी बस, मिनी ट्रक, मिनी एरोप्लेन, मिनी साइकिल तोड़कर उन्हें शहर में ले जाकर बेच देती है, जिसके बाद उसे कई सारे पैसे मिल जाते हैं। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही चमक गई। लगता है जैसे ऊपर वाला एक साथ मुझ पर बरस गया है। बूढ़ी काकी के पास खूब सारा पैसा आ जाता है और वो उन पैसों से एक बहुत अच्छा घर खरीद लेती है, जिसके बाद वो अपने पोते के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। एक दिन वो अपने लिए बाजार से सब्जी लेने जाती है, तभी रास्ते में उसे कुछ बुजुर्ग दिखाई देते हैं जो लोगों से भीख मांग रहे होते हैं। उन्हें देखकर बूढ़ी काकी सोचती है, मेरे जैसे इस दुनिया में और भी बहुत लोग हैं और मुझे अब उनकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर वो अपने घर आती है और जादुई हीरे के खिलौने के पेड़ से हीरे की मिनी कार, मिनी बस, मिनी ट्रक, मिनी एरोप्लेन, मिनी साइकिल इन सब को तोड़ती है और उन्हें ले जाकर शहर में बेच देती है और उन पैसों से वो एक बहुत बड़ा वृद्धाश्रम खोलती है जिसमें बुजुर्गों के लिए सारी सुविधाएं होती हैं। आज मुझे बहुत सुकून मिला है, कम से कम अब मेरे जैसे बुजुर्ग लोग परेशान तो नहीं होंगे। वो ये सोच रही होती है, इतने में उसके पास एक मासूम सा बच्चा आता है और उससे कहता है, काकी काकी, आपके पेड़ पर जो वो हीरे की मिनी कार है, क्या वो आप मुझे दे सकती हो? मेरे पास एक भी खिलौना नहीं है और मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। बच्चे की बात सुनकर बूढ़ी काकी मुस्कुराते हुए उस जादुई हीरे के पेड़ से एक हीरे की मिनी कार का खिलौना तोड़कर उस बच्चे को दे देती है। हीरे की कार देखकर बच्चा बहुत खुश होता है और वहां से चला जाता है, जिसके बाद बूढ़ी काकी गांव के गरीब लोगों की भी सहायता करने लगती है और ऐसे ही खुशी खुशी अपने पोते के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।